अगर बात की जाए सर, तो अजय टंडन यहाँ से अगर जीतते हैं, कांग्रेस अगर यहाँ से जीतती है, तो कितनी कांग्रेस के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी आप देखते हैं उस समय के बाद जब 28 विधानसभा के उपचुनाव जो हुए थे उसमें हारी थी कांग्रेस। जी जी जो ट्रेंड है, पहले दूसरे और तीसरे राउंड की रिजल्ट, इन तीनों रिजल्ट में देखें आप, तो सक्सेसिवली आप देख रहे हैं कि जो मार्जिन है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर ये मार्जिन 5000 को क्रॉस कर जाता है, तो अक्सर आपने ऐसे देखे होंगे कि फिर बाद में इस मार्जिन को पूरा करने में बहुत मुश्किल होती है जो रनर्स है। तो राहुल लोधी लगातार तीसरे में भी पिछड़ गए हैं, और आप देख रहे हैं कि मार्जिन हर राउंड पर बढ़ रहा है, घट भी नहीं रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये ट्रेंड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस सीट को जीतने की ओर है और भाजपा इसको लूज कर रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कांग्रेस ने जो प्लान किया था इस सीट को लड़ने का, इंटरनली उन्होंने बहुत काम किया। एक चीज मुझे याद आ रही है, आपके चैनल पर ही मैंने सुनी थी कि जब ये वाइस एमएलए कांग्रेस के सिंधिया जी के साथ भाजपा की तरफ चले गए, और उसका परिणाम हुआ कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ लीड गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने। उसी दौरान आपको पता हो, बंसल न्यूज पर ही राहुल लोधी ने एक इंटरव्यू में आपके न्यूज एडिटर त्रिवेदी जी से कहा था, कहीं ना कहीं उसका भी कांग्रेस ने इस इलेक्शनिंग में फायदा उठाया है, क्योंकि ये तब क्या कह रहे थे अब क्या कह रहे थे, ये कहने की अगर कांग्रेस इस सीट को जीतती है तो उनकी दो बातों, एक आज बीजेपी की तरह कल कांग्रेस की तरह थे, इन दोनों बातों को लेकर बीजेपी अपने काम में सफल हुई है, और जनता के दिमाग में या वोटरों के दिमाग में उन्होंने ये जमा दिया है कि ये राहुल लोधी ने कांग्रेस के साथ धोखा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये धोखा देना हार रहा है, और इसको भुनाने वाले कांग्रेस पार्टी वहां जीत रही है। आप एक चीज और अच्छी बात बताओ, केवल 2018 का इलेक्शन छोड़ दो तो पुराने जितने भी इलेक्शन हैं, शायद 1950 से 1961 से इलेक्शंस हैं, आप पूरे इलेक्शंस देखेंगे असेंबली के, वहां पर वहां की पब्लिक ने बहुत अच्छा मैंडेट दिया है कि किसी एक जाति के साथ नहीं गए, जबकि बुंदेलखंड की ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसी जातिगत आधार पर है। दमोह ऐसी है कि वहां उन्होंने पंजाबी को जिताया, कायस्थ को जिताया, ब्राह्मण को जिताया, बैस को जिताया, तो वो किसी एक जाति का, राहुल लोधी लोधी पहले थे दमोह से जो वहां जीते हैं। तो आपको एक चीज क्लियर मान लेना चाहिए कि वहां की जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है, और अगर जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में यह मान के चलना कि वहां की जनता समझदारी का वोट करेगी, और जिसके कारण परिणाम या तो कांग्रेस में आता है या भाजपा में आता है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये निश्चित नहीं है कि कौन सी पार्टी वहां जीत दर्ज करेगी। सप्लीमेंट सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं सत्यप्रकाश जी, ठीक है जीत किसकी होगी ये कुछ वक्त बाद, कुछ घंटों बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन जीत का मार्जिन सत्यप्रकाश जी आप क्या समझते हैं, क्योंकि 2018 के नतीजे हम देखें तो राहुल सिंह लोधी जयंत मलैया को सिर्फ 750 कुछ वोटों से हराते हैं, लीड ज्यादा नहीं है, 750 बिल्कुल। तो ये इस बार की लीड क्या होगी, चाहे जीत बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, कट टू कट नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है, तो क्या आप मानते हैं कि एक तरफा जीत होगी या बहुत करीबी मुकाबला होगा चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस? बिल्कुल दीपक जी आपने सही कहा है, ये अच्छा प्रश्न है, लेकिन जो ट्रेंड्स हैं हम ट्रेंड्स को देखकर ही बोल सकते हैं, या पिछले जो इलेक्शन कैंपेन रहा उसको देख के देखें तो ये लगता था कि बीजेपी दिखती थी और लगता था बीजेपी चुनाव ये जीत जाएगी, लेकिन ट्रेंड्स को देखें कि हर राउंड पर लगभग 500 वोट एवरेज मान के चले 500 से 600 वोट से आगे आ रहे हैं। अगर इसको 26 में मल्टीप्लाई कर दो एवरेज लेके, तो 26 तो आपको कितना वोट नजर आएगा, लगभग 10,000। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चुनाव कांग्रेस जीतती है तो टंडन 8,000 से 10,000 वोटों से चुनाव को जीत सकते हैं, बशर्ते ट्रेंड में कोई लंबा उलटफेर ना हो। जब बल्कि ये पक्की है 10,000 से ऊपर ये जीत शायद मेरी नजर में दिखती नहीं है।
और एक महत्वपूर्ण चीज मैं ये भी देख रहा था डॉक्टर सत्यप्रकाश, चूंकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का, खासतौर पे कांग्रेस के नेताओं का यह मानना था कि क्या इतिहास फिर से दोहराएगा, क्या जयंत मलैया फिर से कोई दूसरे कुसमरिया बनेंगे, 2018 में अगर जयंत मलैया हारते हैं तो उसका बहुत कुछ दोषी उस कुसमरिया को भी माना जाता है कि उसकी वजह से शायद बीजेपी जीत नहीं पाई 18 के चुनाव। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि जयंत मलैया खुद या तो अपने लिए या अपने बेटे सिद्धार्थ मलैया के लिए भी टिकट के लिए लगे थे, लेकिन पार्टी ने टिकट राहुल सिंह लोधी को ही दिया। अब कांग्रेस ये कह रही है कि बिल्कुल देखिए आप, जो जयंत मलैया साहब को टिकट नहीं मिला उसका खामियाजा पार्टी को मिलेगा और फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ये भी एक गणित हो सकता है। जी दीपक जी, देखिए अब आपको बहुत अच्छी बात बताए, जब 22 एमएलए भाजपा में कांग्रेस से गए, लेकिन उसके बाद आपने दो 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 एमएलए जोरा और ब्यावरा, इन दो को छोड़ दो, इसके बाद बकाया के जो चार कैंडिडेट थे वो हवा में चले गए, क्योंकि जाने के कारण वो हवा के जाने। इसी प्रकार से राहुल लोधी तो बिल्कुल 28 के बाद गए। तो 28 में उस समय जो स्थिति थी, उस समय भाजपा ने क्यों जीत दर्ज की, क्योंकि भाजपा ने पूरी ताकत, सेंट्रल लीडरशिप ने पूरी ताकत लगाई थी। 2018 में जो चुनाव हुआ उसमें बहुत 798 वोट से केवल राहुल लोधी चुनाव जीत पाए थे, जबकि कुसमारिया जी अगर नहीं आते तो शायद भाजपा वहां लूज नहीं करती। लेकिन जयंत मलैया जी की जो स्थिति है अभी, जयंत मलैया जी अगर राहुल लोधी ये चुनाव जीतते हैं तो ये पक्का है कि जयंत मलैया 75 के क्रॉस कर जाएंगे, तो जयंत मलैया जी तो फिर अगला चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। जब वो चुनाव, क्योंकि भाजपा ने ऐसा माहौल बना रखा है अपने यहाँ कि जो ओल्ड एज हो जाते हैं उनको वो मेन स्ट्रीम से दूर कर देते हैं। लेकिन सिद्धार्थ की जो बात करें, सिद्धार्थ का भविष्य क्या होगा, अब यह बात पक्की है कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो मलैया फैमिली का भविष्य बीजेपी में खतरा सुरक्षित है, सुरक्षित है अगर टंडन जी जीत जाते हैं तो जी। लेकिन बीजेपी में एक बड़ी डिसिप्लिन है जी, एक्सेप्शन छोड़ दो, जैसे उन्होंने कुशमारिया जी ने जो किया था, बीजेपी जनरली जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, वो ऐसा कम करते हैं, केवल वो क्या करते हैं, खून का घूंट पी लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन उनका खून का घूंट पीना बहुत खतरनाक कई जगह हो जाता है, वो सामने इस चीज को नहीं दिखाते हैं। बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन, सरकार ने पूरी ताकत झोंकी कि मलैया एंड हिज फैमिली पूरा कैंपेन करे, और कैंपेन को ऐसे करे जैसे ये लग रहा है कि मलैया जी ही चुनाव लड़ रहे हो। बिल्कुल, लेकिन इंटरनली क्या हुआ हो ये तो रिजल्ट ही बताएगा। बिल्कुल, लेकिन लेकिन मेरा... ये पक्का है जी जी कि अगर मलैया जी, अगर ये राहुल लोधी इस चुनाव को लूज करते हैं तो मलैया फैमिली फिर दोबारा बीजेपी की बागडोर दमों में संभाले। बिल्कुल, और मेरा सत्यप्रकाश जी खतरा कहने का संदर्भ ये भी है, दर्शकों को बता दूं कि अगर अजय टंडन जी जीतते हैं तो, क्योंकि राजनीतिक भविष्य तो राहुल सिंह लोधी का भी तय होना है क्योंकि पार्टी तो बदल चुके हैं, तो क्या ये खतरा राहुल सिंह लोधी के लिए होगा, मेरा इशारा उसी तरफ है। बिल्कुल 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 दीपक जी आप सही कह रहे हैं, ये चुनाव टंडन का भविष्य तय नहीं करेगा जी, ये पक्का मान ले चाहे वो जीतते हैं, ये राहुल का भविष्य तय करेगा, लेकिन राहुल और मलैया फैमिली का भविष्य निश्चित तय करेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चलिए कुछ और